नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पावर पॉइंट, पावर पॉइंट है क्या चीज। तो सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्तों, व्हाट इज पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट है क्या चीज। तो पावर पॉइंट क्या है, एक आप को भी प्रस्तुत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप कोई बहुत सा आपके पास बहुत सारे एक कहीं आपको ऑफिस में, कहीं आप सेमिनार में, कहीं आप गए वहां पर कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ दिखलाना चाहते हैं, तो वहां पर आप दिखला सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। तो कैसे समझाइएगा, जैसे कि मैं एक इनपुट डिवाइस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो यहां पर मैंने बताया कि देखिए इनपुट डिवाइस क्या है, तो फिर मैंने यहां पर क्लिक करके आपको बताया कि इनपुट डिवाइस में माउस आते हैं, कीबोर्ड आते हैं। तो इस तरह से आप उनको समझा सकते हैं। वह क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, स्लाइड। तो अब स्लाइड क्या है, अब यहां पर देखिए स्लाइड, तो स्लाइड क्या है, स्लाइड के बारे में, तो बहुत सारे आपके पेजेस होते हैं। जैसे आप यहां पर आप देख रहे हैं इस तरह से, ये सब क्या स्लाइड है, ठीक ना, बहुत सारे पेज स्लाइड होते हैं। उसके बाद हम लोग का इमिनेशन क्या होती है, आप कोई भी स्लाइड में, कोई भी पेजेस में इमिनेशन लगा के आप उनको दिखला सकते हैं, और उसमें ट्रांजेक्शन भी लगा के आपको दिखला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक इमिनेशन लगा के मैं आपको दिखलाता हूं कि इमिनेशन क्या होते हैं। देखिएगा मैं यहां पर इमिनेशन लगा के आपको शो करके दिखलाता हूं, देखिए इस तरह से आया। फिर से मैं दोहराता हूं, इस तरह से है। इसको हम लोग बोलेंगे इमिनेशन। और ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, अब आपको ट्रांजेक्शन में बता रहा हूं, इसको ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी पेजेस में, कोई भी स्लाइड में आपको इस तरह से ट्रांजेक्शन इमिनेशन लगा के आप कहीं भी सेमिनार में कहीं भी उसको दिखला सकते हैं, यानी कि प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मतलब उसको आपको दिखला सकते हैं। तो इसका यूज आपको पावर पॉइंट में ये सब होते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखिए, सबसे पहले ऊपर आ जाइए। यहां पर जो ऊपर है, देखिए ऊपर जो कि पावर पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, टाइटल बार। और यहां पर जो है साइन इन का मतलब क्या होता है कि आप यहां पर से आप अपना ईमेल आईडी डाल के इसमें लॉग इन हो सकते हैं। ये जो ऊपर जो पावर पॉइंट है, जो यहां पर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, यहां पर इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अपना नाम से भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर वाला को। जैसे कि मैं अपना नाम से यहां पर चेंज कर दे रहा हूं, तो मैंने फाइल पर क्लिक किया, सेव एज के भी क्लिक किया, मैंने ब्राउज पर क्लिक कर दिया, मैं डेस्कटॉप पर, और यहां पर मैं लिख रहा हूं और देखिएगा मैं सेव पे क्लिक कर दे रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा गौरव कंप्यूटर ज्ञान पावर पॉइंट हो गया है। उसके बाद यहां पर देखिएगा साइन इन से क्या होता है दोस्तों, कि यहां पर कोई भी आप ईमेल आईडी अपना डाल के आप लॉग इन हो सकते हैं ये आपके सॉफ्टवेयर में। यहां पर जो बोलते हैं, यहां पर से रिबोन बोलते हैं, यहां पर से आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देखिए ऑटो हाइड रिबन शो टैब, अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, देखिएगा तो यहां पर जो जितने भी टैब्स ग्रुप थे वो क्या हाइड हो गए। अब अगर फिर आपको लाना होगा तो शो टैब पर क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर आपको सिर्फ ऊपर वाला जो ई जो है, इस टैब बोलते हैं, सिर्फ टैब आएगा आपको। और शो टैब एंड कमांड पर क्लिक कीजिएगा तो टोटल, इस सब को कमांड बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजेक्शन, इमिनेशन, स्लाइड,
रिव्यू व्यू हेल्प, इसको हम लोग क्या बोलेंगे टैब बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे इसको कमांड बोलेंगे, और सबको हम लोग ग्रुप बोल देते हैं, यानी कि सभी को हम लोग रिव्यू ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर ऑटो हाइड पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यानी कि टैब्स कमांड्स सब आपको हाइड हो जाएगा, और लाना होगा तो सो हाइड सो टैब पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ टैब ही आएगा, देखिए इसको टैब बोलते हैं, और अगर आप सो टैब एंड कमांड पर क्लिक कर देंगे तो आपको दोनों आ जाएगा। तो इस तरह से आपको, फिर से मैं आपको समझा देता हूं, इसको टैब बोलेंगे, इसको कमांड बोलेंगे, और सभी को मिलाकर हम लोग टैब्स रिबून ग्रुप बोल देंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर आने के बाद देखिएगा, इसको हम लोग मिनिमाइज, यहां से आपको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आपको टास्क बार पा के नीचे बैठ जाएगा, फिर यहां से आप क्लिक करेंगे तो वापस आएगा, इसको यहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो रीस्टोर इसको भी बोलते हैं, और यहां पर क्लिक करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं यानी बंद कर सकते हैं, और यहां से भी आप पेज को शेयर कर सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं कहीं आप। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, यहां पर डायरेक्ट क्लिक करके आप यहां पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी क्विक टूल बार है ये क्विक टूल बार है ये, क्विक मतलब तुरंत, आपको आपको सेव करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्लिक कीजिएगा सेव हो जाएगा, और यहां पर इसको क्या बोलते हैं अंडू, जैसे कि मैंने यहां पर ऐसे मैंने इसको मैंने डिलीट किया, अगर वो चीज हमको लाना होगा तो यहां से फिर आपको यहां से अंडू पे क्लिक करेंगे तो वहां से फिर वापस आ जाएगा, जल्दी से क्विक जल्दी से आ गया, क्योंकि यहां पर शॉर्टकट यहां पर बना के पहले से रखा हुआ है, अगर फिर इसको हटाना है तो फिर यहां से इसको रेडियो पर क्लिक करेंगे तो फिर हट जाएगा, लाना चाहते हैं यहां से भी आ जाएगा, यहां पर क्लिक करके स्टार्ट फ्रॉम विभिन्न क्लिक कर सकते हैं, यहां पर देखिए इस पर क्लिक करके, और यहां पर और आइकन या छोटे छोटे आप लाना चाहते हैं क्विक वाला, तो यहां पर क्लिक करके जैसे कि मैंने न्यू का मैं आइकन ला देता हूं, यहां पर न्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए न्यू का यहां आइकन, यहां पर क्लिक करेंगे देखिए नया देखिए पेज आ जाएगा, न्यू मतलब नया होता है आप लोग जानते हैं, और यहां पर क्लिक करके और हम ओपन का भी आइकन लाना चाहते हैं तो ओपन का भी मैं यहां पर आप ला सकते हैं, इसको यहां पर बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, और इस सबको और इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं फाइल, फाइल पर क्लिक करेंगे तो होम न्यू ओपन इनपो इस सब यहां पर आपको इतना मेनू बार आएगा, इसके बारे में भी आगे हम लोग एक एक चीज को सीखेंगे, और इसको होम टैब टैब में ये होम टैब के अंदर ये आपको क्लिपबोर्ड है, इसको ग्रुप्स भी बोलते हैं, और यहाँ स्लाइड का भी है, ये सब होम टैब में आएगा, उसको फॉन्ट का इतना ग्रुप्स है, और पैराग्राफ का इतना ग्रुप है, और ड्राइंग्स का इतना ग्रुप है, और एडिटिंग का इतना ग्रुप है, इसी प्रकार से इंसर्ट में इतना सारे हैं, और डिजाइन में भी, ट्रांजेक्शन में भी है, एमिनेशन में भी है, स्लाइड शो में भी है, रिव्यू में है, व्यू में, और हेल्प, इसी सब तरह से आपको है, और इस सब को हम लोग एक तरह से स्लाइड बोलते हैं, एक दो तीन ये सब स्लाइड है, इतना सब स्लाइड है, ये सब को हम लोग स्लाइड बोलते हैं, और हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहां पर देखिए इसको बोलते हैं स्टेटस बार, यहां पर नोड कमांड, ठीक है, नॉर्मल पेज में भी है, स्लाइड शोल्डर यहां पर है, ठीक है ना, रीडिंग व्यू में है, और यहां से डायरेक्ट स्लाइड शो करके आप देख सकते हैं, यहां से जूम, और इसको भी इस सबको भी दो गो है, ऊपर नीचे से कर सकते हैं, जैसे इसको हॉरिजॉन्टल, इस सबको ये दोनों को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी बोलते हैं, और यहां पर एक न्यू स्लाइड लेके मैं दिखला रहा हूं, यहां पर आ गया, यहां पर आपको ऐसे क्लिक टू ऐड टाइटल मतलब कुछ टाइप करने के लिए कह रहा है, कुछ लिखने के लिए कह रहा है ये, तो आप मैं फिर से आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं स्लाइड, ठीक ना, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, मैंने किसी चीज को आप कोई भी चित्र आप बना के कहीं सेमिनार में कहीं ऑफिस में आप समझा सकते हैं,
बता सकते हैं। जैसे मैंने इनपुट डिवाइस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो यहाँ पे मैंने माउस कीबोर्ड ऐसे करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनपुट डिवाइस में आता है। उसके बाद आपको स्लाइड, ये सब देखिए स्लाइड, ये सब स्लाइड है ठीक है ना, स्लाइड बोलते हैं। एमिनेशन मतलब फिर से मैं आपको बताता हूँ कि एमिनेशन क्या होती है। से एमिनेशन के मैं एक यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर मैं शो किया और देखिए एमिनेशन से मैं एक यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने लाया, एमिनेशन से लगा के लाया, इसको हम लोग एमिनेशन बोलते हैं। और ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर मैं क्लिक किया इस तरह से आया, इसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो आई होप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।